वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। तो आज हम बना रहे हैं रोज़ा का शरबत, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ही ज़्यादा रूह को ताज़गी पहुंचाता है और ठंडक भी पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा इसके फ़वाद भी हैं और ये लगने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और खुशबूदार होता है ये। इसकी असल बात तो ये है और ये पीने में भी बहुत जायका लगता है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, तो आप देख सकते हैं ये पानी है, वाटर, ये कूल सा वाटर हमने एकदम जल्द वाटर लिया है। तो उसके अंदर हमने डालना है शुगर। तो हम जब इसके अंदर पानी के अंदर शुगर ऐड कर देंगे तो उसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स हमें करना है इसको कि ये इस वाटर के साथ शुगर भी मिक्स हो जाए, यानी और भी वाटर वाटर दिखे, जो शुगर दिख रही है वो गुम हो जाए, गायब हो जाए, मैजिक हो जाए। तो फिर जब ये अच्छे से हमारी शक्कर जो है, शुगर है, ये इसमें मिक्स हो जाएगी तो हमने उसके बाद इसमें ऐड कर देना है जिसका हम शरबत बनाने जा रहे हैं, ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, जूस बनाने जा रहे हैं। तो वो रूह अफ़ज़ा है, तो रूह अफ़ज़ा भी है। तो ये अच्छे से हम इसको शक्कर को घोलेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसमें ये देखिए रूह अफ़ज़ा को डाल दिया है, तो हमने इसी पानी के अंदर भी रूह अफ़ज़ा को ऐड कर देना है। उसके बाद हमने फिर से इसको मिक्स करना है। अब हमने इसको भी अच्छे से मिक्स करना है, ये भी एक जान हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप रूह अफ़ज़ा और शुगर शक्कर जो भी हमने इसमें डाली है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो ये मिक्स हो चुकी है और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना, कूल गर्मी के दिनों में इतनी मज़े की कि मुझे तो ये शरबत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो रोज़ का जो शरबत होता है रूह अफ़ज़ा, बहुत ही मज़े का लगता है और जब मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि बहुत सबको भी अच्छा लगता है, मुझे क्या पता किस किस का। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना। उसके बाद हमने चिया सीड है तो उसको भी हमने पानी के अंदर पहले से ही भिगो कर रख दिया था पानी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ना वो भी बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है और वो जो होता है वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है और पेट में ठंडक भी पहुँचाता है, हमें तवानाई देता है, बहुत ज़्यादा कूल फुल बॉडी हमारी कूलिंग हो जाती है उससे। तो हमने ये सब मिक्स करने के बाद हमने अब इसमें लेना है जिसके बारे में मैं बता रही थी, तो चिया सीड, और इसे तुकमा मलंगा भी कहते हैं और क्या पता इसके क्या क्या नाम होते हैं, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, बट बस तुकमा मलंगा भी इसको कहते हैं और चिया सीड भी इसको बोलते हैं और नाम का मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, सब्ज़ा के बीज भी शायद इसको बोले जाते हैं, तो जैसा देश वैसी बहस। तो बस मुझे नहीं पता इसके बाद क्या नाम है। तो बस हमने इसको भी इसके साथ ही मिक्स कर दिया, तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना हमारा शरबत, लाल लाल कलर का, और ये तो मलंगा भी इसके ऊपर से ऊपर आ गया है। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसके भी फवाइद हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने इसका शरबत रेडी कर लिया है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है इसमें, और मैंने इसमें ना बर्फ़ इसलिए डाला कि मेरा तो वैसे भी गला ख़राब रहता है और हम जो पिए तो हमारा गला ख़राब है, इसलिए हमने ज़्यादा सा बर्फ़ नहीं डाला। तो देख सकते हैं ये हमारा शरबत बनके रेडी हो चुका है, तो बस हमने इसको निकाल देना है ग्लास में। तो एक ग्लास जो दिख रहे हैं आपको, इसमें रूह अफ़ज़ा जो लगी हुई है, तो मैंने कितना बेवकूफ़ी की है ना कि मैंने इसको धोकर रखे हुए थे गिलास को, तो उसके बाद इसमें पानी था शायद थोड़ा सा जो पानी होता है, तो उसके बाद मैंने इसको रूह अफ़ज़ा इसमें लगा दी थी, मैंने कहा आसपास लगाऊंगी तो बड़ी मज़े की दिखेगी, तो वो रूह अफ़ज़ा पानी के साथ नीचे चली गई। तो देख सकते हैं आप रूह अफ़ज़ा आसपास तो नहीं लगी इसके, बट वो नीचे जाके बैठ गई है पानी के साथ। तो बस यही मैंने बेवकूफ़ी की है, ग्लास धो लिया था ना इसलिए पानी था थोड़ा सा उसमें, तो पानी के साथ ही पिघल गई और नीचे चली गई। तो कोई बात नहीं है, वैसे भी हमने डालना तो रूह अफ़ज़ा ही है, इसमें शरबत ही डालना था। तो देख सकते हैं हमने ये ग्लास फुल कर दिए हैं, तो ये एक ग्लास मेरा है, एक ग्लास मेरी सिस का है, तो आप देख सकते हैं ये दो ग्लास मैंने बनाए हैं, ओनली दो ग्लास सिर्फ, क्योंकि हमने अम्मी को तो पिलाना नहीं था, हमारी अम्मी को खांसी हो रही है और हमने ही पीना था बस इसको।
तो आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये बना है हमारा शरबत, दिखने में भी बहुत अच्छा है। तो दिखने में जिस तरह ये अच्छा लग रहा है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये पीने में लगता है, इतना मज़े का लगता है मैं क्या बताऊँ। तो मैं तो नहीं बता सकती कि कितना मज़े का लगा कितना मज़े का नहीं, क्योंकि ये तो मुझे ही इसका मज़े का पता है। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा, फिर इसके मज़े लीजिएगा और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा लगता है ये। तो देख सकते हैं ये दो ग्लास हमारे रेडी हो चुके हैं शरबत के, रूहअफ़ज़ा के। तो बस अब हमने भी इसको पीना है, और बस आप लोग भी दुआओं में याद रखना, और एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा शरबत को, और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।